गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज, ऑनरेबल वुमेन कमीशंस। आज मैं मकर संक्रांति की इस पावन प्रातःकालीन सभा में, इस दिन माना जाता है सूर्य देव जी मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। आज हम भी इस पावन पर्व पर प्रण लेते हैं कि समाज और राष्ट्र मांगलिकता बढ़ाएंगे, राष्ट्र की छवि को चार चांद लगाएंगे। बालिका विद्यालयों, बालिका महाविद्यालयों, बालिका विश्वविद्यालयों, गर्ल्स कॉलेज, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज के विकास, स्थापना में सहयोग, अपनी श्रद्धा अनुसार हर तरह का सहयोग, वैचारिक सहयोग, और मैं विशेष रूप से आज इस मांगलिक कार्य के दिन जो आह्वान करता हूँ, देव सरस्वती जी को नमन करते हुए, उस महान आत्मा को, दिवंगत आत्मा को, बालिका विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में से पुरुष कर्मचारी को बाहर किया जाए। पदस्थापित पुरुष चाहे वीसी हो, चाहे उनकी कमेटी में पुरुष हों, चाहे टीचिंग क्लरिकल लाइब्रेरी किसी भी में काम कर रहा हूँ, बड़ी संख्या में वह पवित्र बातें सुनने में आती हैं। गांधी जी भी कहते थे, आज उस दिवंगत आत्मा को, उनको भी मैं आज नमन करता हूँ। इस सभा बुरा मत देखो, बुरा करना ही सब कुछ नहीं होता, बुरी नज़र से देखना बुरा होता है। छोटे शब्दों बड़ी बात कही है मैंने, सभी और राष्ट्रीय स्तर पर मैं प्रियंका सी युवा नेत्री से कहूँगा, और बातों में कम समय खर्च कर दादी को इस रूप में याद करें, महान कार्यों के लिए स्वयं वो जुड़ जाए। बालिका संस्थाओं, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जाने में उनके पास जो संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन, उनको लुटाने में महबूबा के पास बहुत बड़ा संसाधन, मायावती जी के पास इनकम टैक्स वाले बताने बहुत बड़ा धन है। इससे हमारा संविधान मानता है। अब इसी में देख रहा हूँ जो राजनीति में जातिवाद चरम पर है, उत्तर प्रदेश के चुनाव की जो चर्चाएं सुनते मीडिया, वो जो खुद वरिष्ठ नेता सभी इस तरह की बातें स्वीकार करती है, नहीं कि स्वीकारोक्ति नहीं करती हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि बेटियाँ और भारतीय संविधान स्वयं में व्याख्या की गई है कि सामूहिक सुरक्षा, यानी उनको जातिवार में बांटने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं संविधान ने महसूस किया था, संविधान निर्माताओं ने महसूस किया था, इस फर्क को संरक्षित किया जाए, पोषित किया जाए और राज्य के द्वारा सहायता और सुरक्षा दी जाए। आज वही बात समय आ गया, तो मैं ये विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पर्सनलिटीज, मैं पहले बता दूँ कि मुख्य शक्ति इनके पास है। जहाँ बात आती है, सभी ये कहते हैं सर ये उनके हाथ में, यहाँ तक कि न्यायालय भी बात सामने आई बार बार की नीति निर्माण काम वो करते हैं। निश्चित रूप से ये आप उनसे नीति निर्माण के लिए कहें और वो दोगली नीति न अपनाएं, कहीं कह रहे हैं कि सिर्फ ये लगाए जाएँ, कहीं ये न लगाए जाएँ, वहाँ बड़ा उन्होंने कीचड़ से छड़ रखा है, एक प्रकार से बुदू फैला रखी है नियम बनाने में, अपने ढंग से उसको परिभाषित करने में, लोगों को नियोजित करने में। तो मैं ये बता दिया है,
आज सबसे पहले यही शुरुआत है कि कौन आगे आता है कौन पीछे जाता है। जितने भी ये मैंने पहले कहा चैनल गरीबी और गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, और ये भी हमारी विचारधारा के अनुसार उचित नहीं है। एक बदमाशी है कि महिला संस्थानों पुरुषों को प्रवेश नहीं करवाई जाए, नियोजित नहीं किया जाए। ये साधारण भाषा में बता दिया गया, आगे मैं और इस पर प्रकाश डालता रहूँगा कि मेल्स अपॉइंटमेंट इन वुमेन और गर्ल्स इंस्टीट्यूट्स किकिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया है। मेल्स को वहाँ से बिल्कुल नहीं लगाया जाए, लगा रखा तो हटा दें, दोबारा नहीं करना पड़े। और यदि इस तरह की बदमाशी आयातित करता है, आजमाता है, तो सामने पब्लिक को बता कि मैं बदमाश हूँ, मैं बदमाशी कर रहा हूँ, तुम कर लो, मेरा क्या करोगे? फिर हमें करना भी आता है। मैं माननीय आयोग से प्रार्थना करूँगा कि इसमें हमारे सहयोगी बने, और जितने उनके अधिकार क्षेत्र में आता है वो इसमें हाथ बटाएं। और बालिका संस्थानों में, मैंने पहले एक लाइन से बोल दिया, ओनली फीमेल शुड बी अपॉइंटेड, ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉयज। मैं VC से लेकर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ। एक फैसले में कहा भी था ये बात उन्होंने, इलाहाबाद की पीठ, भारतीय अन्य जो न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भी एक अपने फैसलों का आधार बनाए। कई बातें माननीय न्यायालय समय समय बड़ी अच्छी कही हैं, सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के मद्देनजर कही। तो मैं यही मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव को नमन करते हुए इस पावन प्रातःकाल सभा को कहता हूँ कि बालिका संस्था शैक्षिक संस्थानों में से मैं चर्चा नहीं करना चाहता इस त्यौहार के दिन उन बातों की। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। सभी प्रकार के पदों पर नियोजित व्यक्तियों को, जो पुरुष व्यक्ति हैं, जो पुरुष सॉरी मेल पर्सनलिटी जो भी हैं, चाहे VC से लेकर वो वेटर तक, VC टू वेटर, मैं करूँ किकिंग ऑल, हमारी बालिका संस्थानों में से बाहर निकाले जाएं। ये साफ संदेश और एक प्रकार से निर्देश दे दिया है इनको, और इसकी जो अवहेलना करेगा उससे ही समाज टकराएगा। हम समाज की तरफ से बोल रहे हैं, जब बताया उनको मौजूद उद्वेलित हुए कि नीचता और घिनौनाकारी किसके द्वारा किया जा रहा है, उसका नाम सार्वजनिक किया जाए। ये भी बेटियों बचाने वालों को और पढ़ाने वाले को नारा देने वालों को बता रहा हूँ, एक संदेश है, हमारे साथ आए। परंतु अकेला नारा नहीं, इस कर्म में साथ आना पड़ेगा। फर्जी नाराबाजी काम नहीं करता है, और यदि हमारा प्रतिवाद करता है वो व्यक्ति, उसके समर्थक, तो मुझे आमंत्रित करते हैं, उसकी इस बुराई की घोर आलोचना करते हैं, अगर वो हमारा साथ नहीं देता तो। धन्यवाद।